हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा विभाग करेगा 3.5 लाख बहाली। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रविवार को कहा कि बिहार में 20 लाख से 20 भी कम नौकरियां नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो घोषणा की है उसे जरूर पूरा करेंगे। अकेले शिक्षा विभाग 3.5 लाख नौकरी देगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों को ही नौकरी मिलेगी, चीन और पाकिस्तान से नौकरी लेने लोग नहीं आएंगे। 7वें चरण की शिक्षक बहाली कब आरंभ करेंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि धैर्य रखें, जल्द करेंगे शिक्षकों की बहाली। बिहार में अच्छी तरह से परीक्षाएं ली जाएगी और क्वालिटी वाले टीचर नियुक्त होंगे। कहा कि एक दिन वह दिन दूर नहीं जब गांधी मैदान में अद्भुत नजारा होगा, लाखों लोगों को नियुक्ति पत्र यहाँ बांटे जाएंगे। कहा कि बिहार में शिक्षा में सुधार की ज़रूरत है, आधारभूत संरचना से लेकर गुणवत्ता से युक्त शिक्षकों की बहाली पर जोर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने रविवार को विभिन्न शिक्षक संघों से जुड़े नेताओं और शिक्षकों ने बड़ी संख्या में मुलाकात की। उनके आवास पर मिलने वालों का बड़ा हुजूम उमड़ा। इस दौरान शिक्षा मंत्री को लोगों ने कलम और किताबों का उपहार दिया। मौके पर मंत्री ने शिक्षक संगठनों से कहा कि राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी पर समुचित ध्यान दें। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 3.5 लाख जो है बहाली सिर्फ शिक्षा विभाग में होगी, और मुख्यमंत्री ने जो कहा था 20 लाख नौकरी, तो 20 लाख से 20 नौकरियाँ भी कम ये लोग नहीं देंगे। और आज शिक्षक अभ्यर्थी पैदल मार्च कर रहे थे, उसी दौरान उन लोगों पर लाठी भी चार्ज किया गया है, जिसपे कई साथी घायल हुए हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षक अभ्यर्थी अपने नौकरी के लिए नोटिफिकेशन निकालने की मांग को लेकर पैदल मार्च कर रहे थे और उन लोगों पर लाठी चार्ज किया गया है, जिनसे कई अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा चोट भी आई है।